आईपीएल 2020 का सीजन अब बस कुछ ही समय बाद शुरू होने वाला है। और दोस्तों आईपीएल 2020 की शुरुआत से पहले ही आरसीबी की टीम के लिए दो काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दो खुशखबरियों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीम एक जबरदस्त शुरुआत करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें तो दोस्तों आरसीबी की टीम के लिए जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त निकल कर आ रही है तो दोस्तों लगातार आरसीबी की टीम फैंस के मन में काफ़ी ज़्यादा आईपीएल से पहले एक्साइटमेंट से एक्साइटमेंट प्रदान कर रही है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आरसीबी की टीम ने अपना लोगो चेंज किया था। आरसीबी की टीम ने अब अपनी जर्सी को भी रिवील कर दिया है, जो कि हमने आपको वीडियो में बता दिया था। लगातार आरसीबी की टीम अपडेट पर अपडेट दे रही है। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आरसीबी के बारे में आपको थोड़ी और अपडेट्स दी थी और इस वक्त जो दो बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है वो दोस्तों सचमुच काफी बड़ी है। दरअसल दोस्तों आईपीएल की शुरुआती डेट के आसपास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक थोड़ी सी मुश्किल प्रदान कर रहा था। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से ये कॉन्टैक्ट कर रहा था कि 29 मार्च के आसपास एक सीरीज रखी जाए, उस सीरीज में दोस्तों T20 मैच खेले जाएंगे पाकिस्तान में। परंतु अब जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिस्पॉन्स दिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। उन्होंने दोस्तों यह सीरीज़ खेलने से सरासर इनकार कर दिया है और अब जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं जो आरसीबी की टीम में पहले नहीं हो सकते थे, अब आरसीबी की टीम के लिए शुरुआती सीज़न से ही साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अवेलेबल रहने वाले हैं। जो दो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं वो दोस्तों प्लेयर है, एक तो दोस्तों डेल स्टेन और एक है क्रिस मॉरिस। दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के साथ शुरुआत में ही यह सीरीज खेल लेती तब दोस्तों आरसीबी की शुरुआती मैचों में यह दोनों खिलाड़ी आरसीबी की टीम का हिस्सा नहीं हो पाते। परंतु अब साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को यह सीरीज खेलने से मना कर दिया है और यह दो खिलाड़ी जिनको ऑक्शन में आरसीबी ने काफी ज्यादा उम्मीदों के साथ खरीदा था, यह दोनों के दोनों खिलाड़ी आरसीबी की टीम के लिए शुरुआती सीजन से ही अवेलेबल रहने वाले हैं। तो दोस्तों आईपीएल 2020 में आरसीबी की टीम की नैया हमको आईपीएल की शुरुआत से पहले ही काफी ज्यादा पार होती हुई दिख रही है। डेल स्टेन और क्रिस मॉरिस दोस्तों आरसीबी की टीम के प्लेइंग 11 के काफी परमानेंट खिलाड़ी हमको नजर आने वाले हैं। तो अब यह देखने वाली बात होती है कि शुरुआती ही मैचेस से इन दोनों खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहता है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या आईपीएल 2020 में आरसीबी की टीम जीत सकती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा आप दोस्तों शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।